चावल, धनिया और हरी मिर्च। हेलो हाय नमस्कार और सलाम आप सभी को मेरा। तो चलिए स्वागत कर ही लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम नींबू से। तो आज हम बना रहे हैं नींबू पहाड़ी स्टाइल में, पहाड़ी चूप। तो मेरे आंखें नहीं खुल रहे हैं ऐसे। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और पूरा नींबू बना के खाने तक दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं हम और कैसे खाते हैं। ठीक है, बनाती राधा है, मैं हूँ, दीदी है, राधा है, वंदना है, ताई जी वहाँ पे हैं और दीदी वो वहाँ पे हैं। आज बैठे बैठे खाएंगे, प्रधान जी ठहरे हो और ये मेरी मम्मी चाची को काम करा रहे हैं इतने सारे बबुए होते हुए। नमो खा रहे हैं संतरे। आया ना मुंह में पानी, आया स्वाद। अभी तो देखो, अभी असली स्वाद है मलाई। मेरी मम्मी प्रधानी देखो, नमक पहाड़ी नमक, ये है भांग का नमक। जो बनाते समय ना हमेशा छाया की तरफ मुड़ के बनाया जाता है और जैसे अभी हम कर रहे हैं, धूप की शायद हमारी पीठ है और कपड़े भी लटका रखे हैं और फिर हम छाया में इसको देखो मेरे से क्या क्या करा रहे हैं। पहले इसमें धूप लगेगा था ना, नींबू बनाओ कड़वा होता है, खिलाओ। तारा भाभी चलो पंजाबी खाने के लिए ऑफर भी आ गया, बना दो यार। हेलो, मक्खी भगा लो पेपर से। चूहा देखा तुमने? चूहा चूहा देखा है? पीछे दिखाओ भाभी, ये रही। और हम सब के बीच में ना सिर्फ दो लोग खाने वाले नहीं है, ताई जी और चूक बनाते समय चूक के बीच का बीज का निकाला जाता है, ये जो होता है रस वाला, और बाहर के छिकल बेकार होते हैं खाने में, तो इसे हम यहाँ पे फेंक देते हैं। और ये रहा गुड़, और ये रहा मूली, मूली ये रहा मलाई, ये रहा ये रहा मलाई। और सबसे ज्यादा मेहमान भैया को मिस किया जा रहा है, ये देखो यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे हमेशा भैया। ये भैया है वीडियो कॉलिंग पे यहाँ पे, अरे यहाँ जो वहीं से बात करो। नहीं करते यार वो। वेट तो हमेशा जब भैया यहाँ होते थे ना तो नींबू बनाते थे भैया ही बोलते थे नींबू बनाओ नींबू बनाओ। भाभी थोड़ा सा ये देखो, छोटे से हाथों ने कितना बड़ा कमाल कर दिया, नींबू बना दिया। तारा भाभी और मैं ही लगे थे नींबू बनाते हैं, नींबू बनाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा होने वाला है, बनाने बहुत। तो ये देखो भाई, हमारा एक परात नींबू बन के तैयार है, रेडी है, बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, ये देखो दाने दाने वाले में दिखाया, दाने पे लेकर खाने वाले खाने डाले था। सबसे पहले पहुँच गए लच्छी भैया। मैं बताऊँ ये इस पे क्यों लगी रहती है, क्योंकि लास्ट में इसे ये चाटने को मिलता है और इसका सूप मिलता है, इसलिए वो लगी रहती है, नहीं तो और कामों में साइड ठहरी। कामचोरी में होती है लेकिन मैं हूँ नहीं कामचोर है, सिर्फ परात का चाटने के लिए और उसका ये काम तू कर ले, ये मैं करती हूँ। हाँ। वो काम करा लेगी, चल फिर ये काम मैं करती हूँ, तू वाला कर ले। इसी को तो टैलेंट बोलते हैं, काम कराने का, काम चोरी का, काम चोरी का नहीं, काम चोरी का। अब बंटवारा होने लग गया है यहाँ पे, बंटवारा इनमें होगा क्योंकि कटोरे बांटने के लिए कोई तैयार ही नहीं रहते। मेरा तो लोट में देना, मेरे को सूप ही अच्छा लगता है। ला मम्मी कैसा हो रहा नमू? अब ये भी नहीं कि नींबू भी बिल्कुल कम दे।
इंदु भी आ गई है दुकान से। ले ये कौशल मामी, मैंने दौड़ दौड़ के आगे बोला मामी कैसा हो रहा है खाओ किटो को ले रख देना मेरे बहुत हो मम्मी खून पड़ता है कह रही थी भाभी इससे नया खून बनता नहीं मुझे नया खून बनेगा फटाफट खा ले। तो दोस्तों ये रहा मेरा पुराना खून लोटे में ये अब मुझे पता चलेगा कि कैसा बना है और कैसा हो रहा है। हम सब लोगों की मेहनत ज्यादा मांगी। तेरा कटोरा दिखी नहीं रहा? मैं कटोरा दिखा के रहूंगी अपना, ये है मेरा कटोरा तो खाते हैं। मेरी शक्ल तो भारतीय से भी खाता हो सकती है। वाह नम्मू भी वापस ला गया, नहीं खा पाया वो भी। लास्ट में सारे बर्तन बंदना धोएगी, बर्तन धोएगी, बर्तन धोने की ना बंदना की बारी ठीक है। कोई मूली दे बोल रहे हैं, कोई मुझे झूठा कर रखा है उसने, वही महागरी ये कुछ भिखारी सामने आ जाते हैं मांगने के लिए तो मुझे देना पड़ता है। ये देखो भीख भीख में हम सूप दे रहे हैं, इसको काटना पता है। हाँ मामा जी यहाँ बनती है ये ला। ये मामा जी भी वहाँ मामा जी आ रहे हैं, बुआ देखेंगे, बुआ हम खा रहे हैं। ये होता है अपराध वाले का फायदा, जो अपराध हत्याता है जी। वैसे असली मजे ये इसी के अजीब हो रहा था। जमीर वैसे तरी तरी बच गई है इससे मिलेंगे। मामा जी कैसा हुआ फिर, मजा आ गया? मेरा काम था बना के खिलाना, खिला रहे। अब जो बचा है इसको चाट के धो लेना बर्तन। ये देखो मैं तो गई, सब्जी में बनाऊंगी मम्मी शाम की, सब्जी की व्यवस्था भी होगी। आटा बंदा गूंदेगी, बर्तन धोऊंगी। नींबू खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, खून बढ़ेगा। मालविका को क्यों बोल रहा है तो इसने इसको ये चलिए अपनी ड्यूटी में, मेरा ही अंदर रख देना, धोना हाँ अच्छे से साफ करना। तो सब ने नींबू खा लिया है, अब धूप की तरह बैठ गए हैं सारे। देखो धूप आ रही है, अब मैं भी चल रही दुकान में। ये किटो का नींबू लेके बस मामे को ही नहीं मिला। कैसा हुआ फिर? दूसरे दिन बनाएंगे आपके लिए। किटोका गिर गया, किटो तेरा नींबू आज पैसे नहीं मांगेगी वीडियो बनाने के लिए। ले तो पकड़ तो दरवाजा खोल किटो। मैं नहीं आऊंगी चाची, मैं ये वीडियो में नहीं आएगी। जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी ना तब इसे वीडियो में ले लेंगे, हाफ पेमेंट दोगे तो ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर से बताइएगा, और फिर मिलते हैं कल किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भेज दीजिए, और जो नींबू खा रहे हैं उनको भी। मेरे दुकान में कोई है ही नहीं, हम भाग गए सारे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।